bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. farheen and I welcome you all to your GK class. My dear students, uh, today we are going to start a new unit that is unit number 11. This is the last unit of your uh, GK2 SST portion. And uh, my dear students, aaj hum isme jo topic, wale hai, that is being just fair. Aapke unit can being just fair. यानी कि आपको किस तरीके से आप अमन पसंद इंसाफ पसंद बन सकते हैं और किस तरीके से आप ऑनेस्टली बिहेव करते हुए खेल सकते हैं या अपनी मुख्तफ जिंदगी के मराहल में परफॉर्म कर सकते हैं सो टुडे इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस यूनिट लेट्स गेट स्टार्टेड सो माई डियर स्टूडेंट्स दीज आर द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स आर फॉर द पेरेंट्स एंड द टीचर्स टू अंडरस्टैंड दैट बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट ऑल द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड पॉइंट्स वन बाय वन हम इनको भी इंट्रोडक्शन में डिस्कस भी करेंगे सो माई डियर स्टूडेंट्स है इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ

दूसरों को ठीक करना मकसद नहीं होता अगर आप अपनी ज़ात को बेहतर बनाएंगे तभी माशरा जो है हर इंसान अपने ऊपर काम करे ठीक है अपनी जात के ऊपर काम करेंगे तो खुद ब खुद जो है वो माशरा एक बेहतर जगह जो है वो बन जाएगा सो माई डियर स्टूडेंट्स लेट्स गेट सो इन द द फर्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई फेयरनेस एंड अनफेयरनेस इन देयर डेली लाइफ यानी कि किस तरीके से वो एक फेयर बिहेवियर और अनफेयर बिहेवियर जो है वो इख्तियार करते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर वो फेयर बिहेव नहीं करते इन चीजों के बार बारे में हम बात करेंगे इन लेक्चर नंबर वन देन इन लेक्चर नंबर टू द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वेज ऑफ मेकिंग अनफेयर सिचुएशंस फेयर एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिसट्रीटिंग अदर्स एंड मैन देयर बिहेवियर अकॉर्डिंगली सो माई डियर स्टूडेंट्स किस तरीके से आप एक अनफेयर सिचुएशन को फेयर बना सकते हैं और किस तरीके से आप अपने रवैयों को बदल के बेहतरी लाकर आप माशरे को बेहतर बना सकते हैं हम लेक्चर नंबर टू में पढ़ेंगे लेक्चर नंबर थ्री में भी सेम एस एल जो हैं वो पढ़ाए जाएँगे फर्दर uh, इसके ऊपर जो है हम डिस्कशन करेंगे ताकि बच्चों को ये तमाम एस एल जो है वो बेहतर तरीके से समझ आ जाए दैन इन लेक्चर नंबर फोर वी विल मेक अ प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा ताकि आप लोगों को फेयरनेस के ऊपर किस से आपका अपना बिहेवियर जो है आ, वो है है भी कि नहीं है, हम इसके ऊपर एक एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम तमाम SLOs को रिवाइज करके ताकि आप सब बच्चे जो है वो उनकी अवैल्युएशन की जा सके कि उन्होंने किस हद तक जो है इस यूनिट से सीखा है सो आई होप यू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फ्रॉम दिस यूनिट स्टेट फॉर डे थैंक यू सो मच